प्रशासन तो पुछता नहीं कोई, डला भी नहीं मारते, चलो पुछना दे किरे रहा बेटा शहीद हुआ। मेरा बेटा नहीं, वो सारे भारत का बेटा है, हरियाणे का बेटा, अगू तुहाडा भाई है बेटा सारे का, वो कला मेरे दा, मेरा नहीं हो बेटा। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल में। स्वतंत्रता दिवस पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह दिन वास्तव में वीर शहीदों की शहादत के बदौलत हमें नसीब हुआ है। भारत माँ के वीर सपूतों ने अपना बलिदान दिया। हमें वीरों की शहादत को हमेशा आदरपूर्वक नमन करना चाहिए, लेकिन बड़ा ही अफसोस होता है यह सुनकर कि चाहे स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्रता दिवस जैसे मौके पर शहीदों के परिजनों की अनदेखी होती है, प्रशासन की ओर से उन्हें समारोह में शामिल होने का निमंत्रण तक नहीं भेजा जाता, जिसके चलते शहीदों के परिजनों में भारी रोष है और यही पीड़ा उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है। क्या समय के साथ साथ शासन और प्रशासन ने अपनी आँखें फेर ली है? क्या इतनी जल्दी वीरों की शहादत धूमिल हो गई है? आखिरकार ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं जिनके चलते वीर शहीदों के परिजनों को अनदेखा किया जाता है? आज भी वही दोहराया गया, प्रशासन की ओर से किसी भी शहीद के परिजन को समारोह में शामिल होने का निमंत्रण तक नहीं दिया गया। वहीं शहीदों की शहादत को याद रखते हुए सुनील कौशिक अडाणा ने गांव में जय हिंद जय भारत चौपाल का शुभारंभ किया गया। यह शुभारंभ उन्होंने शहीदों के परिजनों को बुलाकर उनके मान सम्मान के साथ जय हिंद जय भारत चौपाल की नींव रखी गई, जिसके चलते वीर शहीदों के परिजनों को थोड़ी सी राहत महसूस हुई, लेकिन प्रशासन और शासन के खिलाफ उनके अंदर भारी रोष देखा गया। आप स्वयं सुनिए किस तरह से वीर शहीदों के परिजनों ने अपना रोष जाहिर किया है। कहाँ से हो आप? उपलाना से। जो शहीद हुए थे वो उस आपके बेटे का क्या नाम था? दरबारा सिंह जी। तो जिस तरह से आज सम्मानित किया गया है गांव अडाणा में, तो क्या कहना चाहते हो आप? बार बार कह दे ठीक नहीं, मैं इन्होंने लख लख बधाई देना कि जी मेरी इन्ना इज्जत की, एडा मेरा मान किया है, सम्मान किया है। मैं इन्होंने हबारी हाँ, मैं इन्हों का दिन नहीं दे सकता कि जिन्हें मैनू इन्ना सद के याद किया है, तो मैं इन्हों का बहुत बहुत धन्यवादी हाँ। इन्हों का बड़ा शुक्रिया करना कि इन्हें मेनू मैनू प्रशासन तो पुछता नहीं कोई, प्रशासन पहला पहला सानू बुलाते रहे ने, उदू पिछे बिल्कुल डला भी नहीं मारते, चलो पुछना दे किरे रहा, कभी कोई परवाह नहीं करता, कोई अफसर नहीं परवाह करता, ना कोई हरियाणा सरकार कभी सानू पुछया किसी आण के तुसीं मरे हो बचे हो की हाल है तुहाडा की चाजे, बिल्कुल। और ना हरियाणा सरकार तो सानू कोई सुविधा मिली, बिल्कुल हरियाणा सरकार तो कोई सुविधा नहीं सानू मिली। जिहड़ा 2.5 लाख रुपया इन्हां सानू शहीद होए ते दित्ता दित्ता, उदू बाद कोई सानू कोई नौकरी बारे जां कोई पेट्रोल पंप के 2-3 बारी असी कागज़ भरे ने, साढ़े वो भी कैंसल कर छे, इको साड़ी एक फाइल सी वह भी इन्हें कैंसल कर छड़ी है, बिल्कुल सानू कोई पुछता नहीं, कोई प्रशासन वाला ना कोई परवाह करता, बिल्कुल असी इतने भी मीडिया अगर भी आखेंगे मूँह से भी आखेंगे बिल्कुल सानू इस चीज़ की कोई झिझक नहीं, क्यों असी कोई साढ़े को 2 नंबर का काम थोड़ा सानू झिझक किसी गल की। बेटा शहीद हुआ, मेरा बेटा नहीं, वो सारे भारत का बेटा है, हरियाणे का बेटा, अगू ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਆਪ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੇ ਅਪੀਲ ਕਰਤੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਉਨਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇ ਲਈ ਕਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਮ ਸੋ ਕਮ ਬੱਚਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ, ਕਮ ਸੋ ਕਮ 1.5 ਕਰੋੜ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਮੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਖਰਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇ ਦਿਓ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਹੀ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ 2-4 ਦਿਨ ਨਾ ਘਰ ਆਵੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਖੀਦਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ?
और एक तुर गया सामने सरकार दे छाती दे विच गोलियां खादियां देश वास्ते और बिल्कुल सरकार नहीं सोचती इस बारे बिल्कुल भी नहीं। इन्हां नूं अपना है अपने वास्ते वे अपने मंत्रियों वास्ते वे और किसी वास्ते साडे माड़िया गरीबों वास्ते बिल्कुल कुछ नहीं। अजे तक सानू हरियाणा सरकार नहीं पुछया कदी कोई सानू चीज़ मिली है जां नहीं और मिली भी नहीं बिल्कुल हरियाणा सरकार वालों कोई सुविधा नहीं मिली। 20 साल हो गए साडे बच्चे शहीद होए नूं सानू कोई सुविधा नहीं मिली बिल्कुल भी और असीं मूँह से भी कहांगे बिल्कुल खट्टर दे खट्टर साहब के मूँह से भी कहांगे असीं ते जे साडे नाल कोई गल करनगे कर सदनगे तां असीं मूँह से भी कहांगे सानू कोई चीज़ नहीं बिल्कुल। कहाँ से आप? कुड़लन से। जो आपके शहीद हुए बेटे उनका क्या नाम था? कृष्ण। तो आज जो आपको मान सम्मान बख्शा है गांव मरदाना की तरफ से ये बुलाते हैं दो तीन बार बुला लिया कुंडी की नीम दर्जी जब बुलाए थे जी अब बुला लिए और प्रशासन तो कोई बुलंदा नहीं आर्मी वाले तो कुछ कर दे रहे बिल्कुल आर्मी वाले सरकार को भी कुछ करना चाहिए जो शहीद हुए उनके परिवारों के लिए कोई मदद के लिए कुछ कोई कुछ नहीं करता। 15 अगस्त 26 जनवरी कुछ नहीं मिलता कोई नहीं मिलता। एक बार बुलाए थे 2005-10 मई में शहीद हुआ था उसी टाइम SDM था SDM ने बुलाए थे और किसी ने नहीं जिसने अपना लड़का देश के लिए खो दिया पूरे देश का बेटा हो ना कि वो अंकल जी का ये सारे हमारा भाई था वो और मैं ये कहता हूँ हमारे जैसे युवा उनका बेटा बनके उनकी सेवा करें जिनका लड़का देश के लिए शहीद हुआ। देखिए सरकार को जितने भी हमारे हल्के असंद के देश के लिए शहीद हुए उनको 15 अगस्त को 26 जनवरी को इन दो दिनों को तो बिल्कुल याद करना चाहिए और मैं ये नहीं कहता उनको पैसे दे लाखों रुपए दे सिर्फ एक फूल की माला डाल दे या एक चादर दे छोटी ही इतने में इनका मान सम्मान हो जाता है। इनको ये हल्के को याद होती है कि हमारा लड़का हमारे हल्के लड़का इस देश के लिए शहीद ताकि आने वाली पीढ़ी को पता हो कि ये दरबार सिंह और कृष्ण जी जो देश के लिए शहीद होया उनको पता होना चाहिए। जो मान सम्मान इन्होंने आज शहीद परिवार के घरवालों को बुला कर दिया है राजनीतिक पार्टी से वो भी संबंध रखते हैं पर उन्होंने एक दिन ऐसा चुना स्वतंत्रता दिवस का जो हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है और उस गर्व के दिन पे उन्होंने गैर राजनीतिक काम किया राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने जिनकी वजह से हमारा जिंदा है जिनकी वजह से हमारा देश बचा हुआ है जो भी हमारे सैनिक हैं हम उनकी बदौलत देश में रह रहे हैं उनकी शहीदियों की उनकी कुर्बानियों की उनकी देश प्रति भावना प्रेम की और जो वो मेहनत दिन रात हमारी सुरक्षा के लिए करते हैं उनकी वजह से हम जीवित हैं और उनकी वजह से ही हम बचे हुए हैं और जो मान सम्मान इन्होंने इनको दिया तो वो काबिले तारीफ़ है और मैं तहे दिल से गांव और अडाना की पवित्र धरती जहां पर हमारा भाई